तोला सोना के लिए दोस्त ने की दोस्त की हत्या, हत्या कर शव गोली में भर के खाड़ी में फेंका। रॉ टाइम्स की न्यूज देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। तीन दोस्तों ने अपने ही दोस्त को मारकर शव गोली में भर के खाड़ी में फेंक दिया है, मगर पुलिस ने शव बरामद कर लिया है और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। थाने के कासर वडौड़ी पुलिस ने हत्या में शामिल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये हत्या सिर्फ 4 तोला सोने की चेन लूटने के लिए तीन दोस्तों ने अपने एक दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। थाने के घोड़ बंदर रोड वाघवील निवासी हेमंत डाकी 45 वर्षीय जो रिक्शा चलाते हैं, इनका बेटा अक्षय डाकी 20 वर्षीय 3 सितंबर को घर से धनराज नामक अपने दोस्त से मिलने के लिए गया था, मगर 4 सितंबर को भी घर वापस नहीं लौटा, जिसके बाद परिवार वालों ने 4 सितंबर को कासर वडौली पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। अक्षय के दोस्त धनराज से पहले पुलिस ने पूछताछ की, मगर पूछताछ में कुछ पता नहीं चला, जिसके बाद एक ऑटो चालक से जानकारी सामने आई कि धनराज ने 4 सितंबर की सुबह 5 बजे गोनी में भर के रिक्शे में ले जाकर माझीवाड़ा खाड़ी में कुछ फेंक दिया, जिसके बाद कड़ाई से पूछताछ में धनराज भारत तरुडे 33 वर्षीय ने अक्षय डाकी की हत्या कर शव गोनी में भर कर खाड़ी में फेंकने की बात कबूल की। साथ ही हत्या में शामिल दो और दोस्तों के नाम भी सामने आए, कृष्णा विनायक घोटके 23 वर्षीय और चंदन पासवान 20 वर्षीय को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अक्षय डाकी का शव माझीवाड़ा खाड़ी से बरामद कर लिया गया है और हत्या में इस्तेमाल की गई रस्सी और मोबाइल फोन पर्स चेन इन आरोपियों के पास से भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे घटना में क्या जानकारी दी है, सुनिए। 3 तारीख को शाम को 7:30 बजे घर से बाहर गया था और 4 तारीख सुबह 5 बजे तक घर में नहीं आया, इसलिए उनके घर वालों ने पुलिस स्टेशन में आके मिसिंग की कंप्लेंट दी थी। उसी कंप्लेंट के सिलसिले में छानबीन जब चल रही थी तो वो किसके पास जाने वाला था ऐसा इंफॉर्मेशन थोड़ा था, तो वो उसका एक दोस्त है धनराज जो पानखंडा में रहता है उसके पास जाने वाला ऐसा इंफॉर्मेशन था। फिर धनराज को लाया गया, धनराज को पूछताछ की गई, मगर कुछ इंफॉर्मेशन उससे नहीं मिलती थी। बाद में उसी सिलसिले में एक रिक्शा चालक जो हमको मिल गया है उसी जरिए फिर पूरा केस का जी छानबीन चल रही थी वो आगे चली और बाद में फिर उसके रिक्शा वालों से हमसे पता लगा कि 4 तारीख को सुबह 5 बजे ये धनराज ने एक अपना उसी के रिक्शा में एक गोनी में जो ये शव रखा था ये शव ले जाके माझीवाड़ा में उसी के खाड़ी में डाला हुआ है। इतना इंफॉर्मेशन मिलने के बाद फिर बाद में आरोपी को वापस इंक्वायरी में लिए और इंक्वायरी में लेने के बाद आरोपी ने फिर और दो जन का नाम बोला है, उसमें कृष्णा विनायक घोड़के जो उसका रिलेटिव है लातूर का रहने वाला है, ये दूसरा चंदन पासवान ये विहान वैली में रहता है और बोड़ा में, ये तीनों ने मिलके उसके गले में 4 तोले का अक्षय डाकी के गले में 4 तोले का चेन था वो चेन मिलाने के लिए इन्होंने मर्डर की है और बाद में ये जो शव है ये डेड बॉडी माझीवाड़ा वैसे ही खाड़ी से रिकवर हुई है, उसमें जो मयत है मयत की 4 तोले की चेन उसका मोबाइल और जो रस्सी से उसको उसका गला घुटा था वो सब मिला। सर इसमें कितने आरोपी हैं और इनका बैकग्राउंड क्या है? इसमें 3 आरोपी है और उसका पहला उनका बैकग्राउंड तो अभी तक तो इंक्वायरी में नहीं मिला है, मगर जो 4 तोले का इसका जो चेन था उसी की चोरी के सिलसिले में इन्होंने ये किया है। थैंक यू।